नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? वहां आघाड़ी सरकार है, तीन तीन पार्टी अलायंस में है, लेकिन एनसीपी के जो मंत्री हैं इस उद्धव ठाकरे की सरकार के अंदर वही नाराज चल रहे हैं। वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और अपनी ही सरकार में उनकी नाराजगी भी नजर आ रही है। क्या हो रहा है? सरकार तुम्हारी और तुम ही नाराज सरकार के कार्रवाई से? तो ऐसा लग रहा है कि कोई खेल बड़ा है जो शरद पवार खेल रहे हैं। ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि शरद पवार ने वो जो महाराष्ट्र की सरकार के अंदर एनसीपी के मंत्रियों की जो पूरी फौज है वो उद्धव ठाकरे के पीछे उन्हें लगा दिया गया है कि ताकि उनको सार्वजनिक रूप से जलील किया जा सके। सरकार के खिलाफ ही वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। दो बड़े बड़े मंत्री उनके साथ, जो पिछले 24 घंटे में जो उनके बयान हुए हैं और जो उद्धव ठाकरे की तरफ से कार्रवाई हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि एनसीपी ने कोल्ड वॉर का यलगार कर दिया है और ये जो इनके अंदर की जो फूट है वो खुलकर सामने आ गई है। तो ऐसी खबरें मैं आपको बताऊंगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, लेकिन उससे पहले दो और ऐसी खबरें हैं जिसका अपडेट आपको जानना जरूरी है। वो अपडेट परमवीर सिंह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोर्ट के अंदर एक तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार कह रही है कि हम वो पूछताछ करना चाह रही है कि जो तमाम जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तीन आरोप लग गए हैं अब तक परमवीर सिंह के खिलाफ, और जिसके खिलाफ परमवीर सिंह हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था। तो कोर्ट के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार कह रही है कि हम अभी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ बयान लेना चाहते हैं। कोर्ट से कहा गया कि 18 तारीख तक परमवीर सिंह की कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और एक तरफ कोर्ट का मसला है और शातिर दिमाग देखिए इस सरकार की कि वो जो सारा केस, जो पुराना पुराना केस, जो बुकीज से और ये पता नहीं किससे किससे पूछताछ करके, और उसके पीछे सीआईडी भी लगा दी गई है। मतलब दोनों ही एक्शन एक साथ, कि एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार सीआईडी जांच बिठा करके परमवीर सिंह को घेरने के चक्कर में है, और किनके आधार पे, किनके कंप्लेन के आधार पे, तो वैसे वैसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो पहले ही सस्पेंड हो चुका है, जिसके ऊपर पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, बाद में मालूम चला भी जो नया जो सीआईडी में पूछताछ होने वाली है परमवीर सिंह की, उसमें दो क्रिकेट के बुकीज, ये जो सट्टा लगाने वाले, जो क्रिकेट को बदनाम करने वाले लोग हैं, उसके दो माहिर खिलाड़ी जिनका रिश्ता अंडरवर्ल्ड से है, उसके केस के ऊपर सीआईडी जांच करवा रहे हैं। तो ये दो ऐसी खबरें हैं विरोधाभास से भरी हुई हैं, लेकिन ये तो उद्धव ठाकरे सरकार है, कब क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं। सरकार में बैठे लोगों को भी मालूम नहीं है कि भाई पता नहीं मुख्यमंत्री के दफ्तर से क्या आदेश आ जाएगा, और इसी बात को लेकर शरद पवार उद्धव ठाकरे के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। कल एक खबर आई थी, सोशल मीडिया में भी चला और अखबारों में भी आपने देखा होगा, टेलीविजन पे भी तो खूब चलाया गया कि 6 करोड़ रुपए एनसीपी के सबसे बड़े, सबसे सीनियर मोस्ट लीडर अजीत पवार के उनके पीआर कैंपेन में लगाया जाएगा। पीआर कैंपेन किस चीज के लिए? टेलीविजन ऐड नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, अगर सोशल मीडिया के ऊपर 6 करोड़ रुपए का बजट रखा जा रहा है, आप तो खर्च ही नहीं कर पाओगे, आप तो खर्च ही नहीं कर पाओगे। फेसबुक ट्विटर में आप कितना दिन रात, आप तो मरे, ये बजट तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का भी नहीं होगा। तो एक दो सवाल जो उसमें जो पूछा जाना चाहिए, जो महाराष्ट्र की जनता को जानने का हक है, कि ये जो सारे एक मंत्री 6 करोड़ रुपए अपने चीज के लिए, अपने पीआर के लिए उसमें खर्च करने जा रहा है, वो भी जनता के पैसे को, तो उसमें क्या ये जो सोशल मीडिया में ट्विटर करने वाले ये जो दलाल लेफ्ट लिबरल कमाल है, जो आजकल हर चीज में छाती पीट रहा है, क्या ये पैसे उसको भी दिए जाने वाले थे? ये जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर पत्रकारिता के नाम पे भ्रम फैलाने का काम करते हैं, अफवाह फैलाने का काम करते हैं, क्या उनके पास ये पैसा भेजा जा रहा था? 6 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होंगे? क्योंकि अगर सरकारी पैसा अगर उसको दिया गया है, सरकारी पैसा अगर अलॉट किया गया होगा, तो उसकी कुछ प्लानिंग भी होगी कि कब कहाँ कैसे ये खर्च होगा। तो खैर, ये तो अलग मसला है, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि 6 करोड़ रुपए अजीत दादा
अपने पीआर के लिए सोशल मीडिया में खर्च करने वाले हैं, तो एक आधे घंटे में इस ऑर्डर को वापस ले लिया गया। किरकिरी होनी शुरू हो गई। लेकिन अब जो आज खबर आई है कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। पीछे की कहानी यह है कि उद्धव ठाकरे ने उस अधिकारी को बुला करके काफी क्लास ली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मेरे से पूछे हुए कि तुमने 6 करोड़ रुपए का टेंडर बाहर निकाल दिया, उसको कागज पे आपने ऑर्डर पास कर दिया कि भाई इसमें पीआर का काम होगा, वो भी अजीत पवार का। तो एक तो ये किरकिरी हुई और पता नहीं कि ये अपने आप में किस वजह से हुई। शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे के बीच कोई बातचीत हुई या नहीं हुई, या फिर ये फैसला इस तरीके का था उद्धव ठाकरे का कि भाई मेरे रहते कोई और हीरो कैसे बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बेटे को ही हीरो बनाया जा सकता है सोशल मीडिया में। अगर अजीत पवार 6 करोड़ रुपए देकर के सोशल मीडिया के ऊपर छाना चाहते हैं, इसका मतलब साफ है कि अजीत पवार के अंदर मुख्यमंत्री बनने की अभिलाषा जग गई है। क्या होगा अलायंस का, कैसे चलेगी यह अघाड़ी और कैसे आपस में ही ये लोग सिर्फ फुटबॉल करेंगे, शायद ये वजह हो सकती है कि उस फैसले को फौरन बाहर ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जैसे अजीत पवार को ये झटका लगा, उनके पीआर कैंपेन के ऊपर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग गया, तो एक और एनसीपी के सीनियर मोस्ट लीडर हैं जयंत पाटिल, वो जल संसाधन मंत्री हैं, और उन्होंने साफ साफ कह दिया, ये ऐलान कर दिया, ये घोषणा कर दी कि वो बिल्कुल ही खुश नहीं है, ये बेकार, ये सरकार में हमें कुछ करने नहीं दिया जाता। एनसीपी के मंत्रियों को उद्धव ठाकरे रोकते हैं अपने ढंग से काम करने में और हर चीज़ में वो आदेश दे देते हैं। अब ये चार्ज लगाना एनसीपी की तरफ से, ये अपने आप में बताता है कि स्थिति कहाँ तक पहुँच गई है। एक तो शरद पवार, उन्होंने साफ साफ कहा था कि बहुत बड़ी भूल हो गई इस शख्स को मुख्यमंत्री बनाना। उसके बाद जब से ये सारा चीज सामने आया है, तो ये जो कह सकते हैं कि दोनों के बीच जो दीवार जो है और साफ साफ नजर आने लगी है। शरद पवार ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि हमारा फोन भी नहीं उठाता। तो ये कि आपस में ही जो डिसीजन लिया गया कि सोशल मीडिया से सारा कुछ जो हटा लेना है, अजीत दादा का जो पीआर के लिए जो पैसे खर्च करने थे, जो आदेश था उसको वापस ले लेना है, तो इसमें कोई बातचीत नहीं होगी। और जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे रहते हुए उद्धव ठाकरे को ये लग रहा होगा कि मेरे और मेरे बेटे के रहते हुए कोई दूसरा महाराष्ट्र का लीडर, वो भी अघारी का, वो सोशल मीडिया में कैसे उसका नाम चमके, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और शायद इसका ही रिस्पॉन्स है कि आज जयंत पाटिल ने एक नया बॉम्ब फोड़ दिया। क्या कह रहे हैं वो कि भाई वो कह रहे हैं कि हम कि जो जल संसाधन मंत्रालय है इसमें एक नया कोई सेक्रेटरी का विवाद है, बहुत सारी डिटेल्स है उसमें, नाम जानने की जरूरत नहीं है। तो वो एक अपने ढंग से सेक्रेटरी रखना चाह रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं, और इसको लेकर के जो विवाद शुरू हुआ तो वो इतना ज्यादा हो गया कि जो जल संसाधन मंत्री हैं ये पाटिल साहब एक सीनियर एनसीपी लीडर हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में इनकी एक धाक है, वो ये कह रहे हैं कि मेरे मंत्रालय को ही बंद कर दो, हमको नहीं चलाना ये मंत्रालय, जब मेरी बात नहीं मानी जा रही है तो ये मंत्रालय चलाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, इसको बंद कर देना चाहिए। इतनी बड़ी बात, इतना सीनियर लीडर, और वो भी वैसा शख्स जिसको जो मुख्यमंत्री की रेस में आने वाला वो जयंत पाटिल साहब, वो उस तरह के मंत्री हैं, उस तरह की सीनियोरिटी है इनकी। अब मालूम चल रहा है कि ये खेल सिर्फ जल संसाधन मंत्रालय में कौन सेक्रेटरी बनेगा सिर्फ उसको लेकर के ही नहीं है, हर जगह उद्धव ठाकरे अपना आदमी बिठाना चाहते हैं, हर जगह अपने लोगों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। एनसीपी के लोगों को घुटन हो रही है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को घुटन हो रही है, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा। जो खबर की जो डिटेल जो महाराष्ट्र के अखबारों में छपी है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये सिर्फ जल संसाधन मंत्रालय के अंदर कौन सचिव होगा विवाद सिर्फ उसका ही नहीं है। दरअसल अब एनसीपी ये चाहती है कि जो वहां के जो चीफ सेक्रेटरी हैं सीताराम कुंते साहब, उनको एनसीपी हटाना चाह रही है, और वो एनसीपी इसलिए हटाना चाह रही है कि कोई प्रवीण परदेसी नाम के शख्स हैं, उनको चीफ सेक्रेटरी बनाने के लिए एनसीपी वो लगातार प्रयास में है, लेकिन उद्धव ठाकरे उनकी बात मान नहीं रहे हैं। और
ये जो दबाव आया कि भाई आप चीफ सेक्रेटरी बदलना चाहते हो, ये कौन सा तरीका है, और उद्धव ठाकरे उसे अपने साथ रखना चाह रहे हैं, वो इसलिए साथ रखना चाह रहे हैं क्योंकि ये केस उसी हिसाब से बना हुआ है। आप समझिए, ये पूरा जो खेल हो रहा है ये वसूली गैंग से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये सीताराम कुंते साहब वही हैं जब ये एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करते थे, जिनके सामने रश्मि शुक्ला ने अपनी उस सीआईडी की रिपोर्ट दी थी कि किस तरीके से अनिल देशमुख के कार्यालय के अंदर ये पूरा काम हो रहा था। और ये रिपोर्ट जब रश्मि शुक्ला ने डीजीपी को दिया तो डीजीपी ने एडिशनल सेक्रेटरी को दिया, ये उस समय ये कुंते साहब एडिशनल सेक्रेटरी थे, और वही इस रिपोर्ट के ऊपर बिना कोई कार्रवाई किए हुए इन्होंने ये रिपोर्ट दे दी किसको, चीफ मिनिस्टर को। और चीफ मिनिस्टर को देने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब के पास, मतलब उद्धव ठाकरे के पास ये सारी चीज़ें आ गई। वो एक ऐसा सबूत उद्धव ठाकरे के पास आ गया कि जिससे वो एनसीपी को अपने उंगलियों पर नचा सकते हैं, क्योंकि गर्दन तो फंसी हुई थी एनसीपी के अनिल देशमुख की। तो ये कोल्ड वॉर लगातार चल रहा है, और चूंकि वो तमाम वो जो आदेश दिया गया कि आप फोन टैप कर सकते हो, रश्मि शुक्ला जिस आदेश के आधार पे उन्होंने सारे फोन को टैप किया, वो आदेश यही कुंते साहब के द्वारा दिया गया था। अब कुंते साहब ये कह रहे हैं कि ये तो हमने ऐसे ही दे दिया था, वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हमने दिया था, लेकिन इन्होंने तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों और नेताओं का ही फोन टैपिंग इन्होंने शुरू कर दी, तो वो एक अलग मसला है। एनसीपी को लग रहा है ये सीताराम कुंते उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ी साजिश एनसीपी के खिलाफ कर रहे हैं, कि ताकि ये जो सरकार है उसके ऊपर 100% कंट्रोल मुख्यमंत्री का रहे। मुख्यमंत्री तो अकेले, इतनी सीटें नहीं हैं कि आपको उनको फ्री हैंड देना पड़े, ये तो तीन तीन पार्टी की सरकार है। और जब ये कुंते साहब को हटाने की बात एनसीपी की तरफ से की गई तो वो दरअसल अपने हिसाब से एक सीनियर मोस्ट कैबिनेट मेंबर के मंत्रालय में अपने आदमी को बिठाने का जो है वो दबाव डालना इन्होंने शुरू कर दिया, कि ताकि एनसीपी को ये बात समझ में आ जाए कि वो किसी दबाव में फंसने वाले नहीं हैं, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। मतलब आप देखिए, हो ये रहा है कि ये जब से वसूली गैंग का खुलासा हुआ है, ये तो सारे लोग महाराष्ट्र को लूटने खसोटने का काम करने के लिए आए थे। सचिन वाजे को ऐसे ही थोड़ी वापस सर्विस में बिठाया गया, वर्दी पहना करके उसे उगाही का काम में इन लोगों ने लगा दिया। अब ये लोग खुल के सामने इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं, ऐसी कोई बात, कोई जासूसी तो नहीं कर रहा है, कोई मीडिया कोई एक्सपोज तो नहीं कर रहा है, ये सारी खबरें सारी बातें उनके द्वारा ही बताई जा रही हैं कोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन में, सीबीआई को, एनआईए को, जो लोग कल तक उद्धव ठाकरे के बहुत ही करीबी माने जा रहे थे। और अब जब ये भंडा फूटा है तो कैसे सब लोग अपनी गर्दन बचाने के चक्कर में आपस में ही लड़ रहे हैं, उसी की कहानी अभी तक चल रही है। हमारी नज़र इन तमाम डेवलपमेंट्स के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।